अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात, जुलेखाज किचन से। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं। बकरी ईद की स्पेशल रेसिपी है कलेजी मसाला। एक दो गुर्दे भी डाल दिए थे मैंने, लेकिन हम कहेंगे कलेजी मसाला। डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है, झटपट बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, ये है टोटल 600 ग्राम दोनों मिला के कलेजी। आप चाहें तो 700 750 ग्राम ले सकते हैं। मैंने सोचा थोड़ी सी मैं काट लेती हूँ और बाकी की थोड़ी सी आपके सामने काट के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो एक बड़ा सा पीस मैंने काटा। अब इसके ऊपर और नीचे है ना, एक पतली सी परत आपको दिखेगी, ये ऐसे। इसको निकाल कर फेंक दीजिए, उलट पलट दोनों ओर पे रहती है, दोनों ओर से निकाल कर फेंक दीजिए। और इसी तरीके से इसके छोटे या मीडियम पीसेस कर लीजिए। अब जब आप बड़े बड़े पीस करें, इस तरीके से उलट पलट करते हुए वो निकाले पतली सी परत और पीसेस करते जाए। अच्छा, मैं हमेशा छोटे करती हूँ, आज आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने थोड़े बड़े रखे हैं। और ये जो चर्बी भी साइड से निकले ना, उसे निकाल कर फेंक दीजिएगा। अब इसे एक बर्तन के अंदर डाल दीजिए। सारी हमारी जो ये है कलेजी को धोने का भी दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप चाहें तो इतना पानी भर लें कलेजी जब काट लेते हैं तो, उसके बाद इसके पानी के अंदर 2 टेबलस्पून विनेगर डाल दें, मिक्स कर लें और इसे 10-15 मिनट के लिए साइड पर रहने दें। तो क्या होगा ना, जब आप 10-15 मिनट हो जाएगी, इसे साफ पानी से 2-3 बार धोकर निकाल कर साइड पर रख दीजिएगा, तो जो भी गंदगी अंदर है या स्मेल है वो सारी निकल जाएगी। बट मैं वैसा नहीं करती हूँ। मैं यूजुअली, जैसे आपने पानी में देखा मैंने डालकर रखा, ऐसे 2-3 बार मैं पानी चेंज करती रहती हूँ और 2-5 मिनट के लिए रहने देती हूँ। उसके बाद मैं छान ली यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं मैंने गुर्दे भी लिए हैं 2। आप चाहें तो छोटे पीस कर सकते हैं, मैंने थोड़े बड़े ही रखे हैं। इसे अब मैं बॉईल कर लूँगी, मतलब हल्का सा। जब साइड पर पानी बॉईल करने रख दीजिए, हल्का उसमें उबाल आ जाए, तो ये जो काटी हुई हमारी कलेजी है वो डाल दीजिए। और चूल्हा फास्ट आँच पर रखिए और इसे तकरीबन सिर्फ 2 मिनट तक पकने दीजिए। जब 2 मिनट हो जाए, 1-2 बार चला लीजिएगा। हाँ, चलिए 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ऊपर एक कैसी ऊपर ये आ चुकी है। तो इसे सबसे पहले तो थोड़ा इसका ऊपर का पानी फेंक दीजिए। जब आप थोड़ा ऊपर का पानी फेंक दें, बाकी का फिर उसे छन्नी से छान लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। ऐसा करने से क्या है ना, जो स्मेल आती है वो सारी चली जाएगी। चलिए, अब कढ़ाई का चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। तब तक मैं आपको गर्म मसाले बता देती हूँ। ये है 2 तेज पत्ता, 1/2 छोटे का चम्मच, जीरा, सफ़ेद जीरा, 2-3 हरी इलायची, 1 बड़ी काली इलायची, 1 डंडी दालचीनी की, 4-5 लौंग और 4-5 काली मिर्च। जब ये गरम हो जाए पतीली, 1/2 कप तेल डाल दीजिए और ये जो गरम मसाले सारे हैं वो डाल दीजिए और इन्हें तड़तड़ा जाने दीजिए फास्ट आंच पर। जब गरम मसाले तड़तड़ा जाए फास्ट आंच पर, तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज डाल दें और इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होए तक फ्राई कीजिए। बार बार इसे चलाते रहें, चूल्हा फास्ट आंच पर ही रखिएगा। जब कुछ देर बाद हल्का सा कलर चेंज करने लगे, तब डाल दीजिए 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, सो दैट ये जो प्याज है वो ज़्यादा जल ना जाए। और ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट, इससे बार बार चलाते हुए पका लें। तब तक पकाएं जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। तब तक, जब अदरक लहसुन के कच्चेपन की खुशबू चली जाए, तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटरों को मीडियम साइज के थे पीस कर रखा था, ये डाल दीजिए और इसे एक बार चला लीजिए। और उसी दौरान डाल दीजिए 1/2 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 3 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर और मैं 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि इसमें 1/2 कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिए और 1/2 स्पाइसी वाला डालिए। बट मैं हमेशा स्पाइसी वाला यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं सिर्फ कश्मीरी डाल रही हूँ। 1 छोटे चाय का चम्मच भुना और पीसा हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। सारे मसाले डालने के बाद इसे 3-4 मिनट तक भून लीजिए। आप चाहें तो मीडियम आंच कर सकते हैं या फिर स्लो पर भी रख के ढाक कर इसे भून सकते हैं। मैं मीडियम आंच पर रखी हूँ, ढाक नहीं रही हूँ। और देखिए, अच्छा खासा भून चुका है, 2-3 मिनट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, जो मिक्सर जार है ना, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर चलाकर इसमें फिर से डाल देती हूँ और इसे फिर से भूनने रहने देती हूँ। तो मैं मीडियम आँच पर ही रख रही हूँ, आप चाहें तो इसे स्लो आँच पर ढाक कर सकते हैं, भून सकते हैं। चलिए, 3-4 मिनट में टमाटर अच्छे भून गए, मसाला भून गया है। तो यहाँ पर मैं 1/2 छोटे चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके डाल देती हूँ। एक बार इसे चला लीजिए, चूल्हा मीडियम पर ही है। और अभी मैं डाल देती हूँ 1/4 कप जितनी
दही दही ज्यादा खट्टी मत लीजिए, बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल दही लीजिए और रूम टेम्परेचर पे दही है ये, ऐसे एक बार चला लीजिए और तकरीबन 1 मिनट तक फास्ट या मीडियम आंच पर इसे पकने दीजिए बार बार चलाते हुए। जब 1 मिनट तक आप बार बार चलाते हुए पका लें तो स्लो आंच करके इसे ढक कर 2-3 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता और दही भुना नहीं जाती तब तक। चलिए 3-4 मिनट में तो दही भुना गई है ये देखिए, और चूल्हा सबसे पहले तो मीडियम आंच कर दीजिए, और हमने जो हमारी कलेजी छानकर साइड पर रखी थी उसे क्विकली इसमें डाल दीजिए, और इसे सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए और इसे बार बार चलाते हुए पका लीजिए तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, सो दैट अगर कलेजी में थोड़ा भी पानी होगा वो भी सूख जाएगा और फिर उसके वजह से स्मेल नहीं आएगी। हमने पहले से ही कर लिया है बंदोबस्त स्मेल नहीं आने का, लेकिन आगे ये एक और प्रोसीजर है सो दैट स्मेल ना आए। तो तब तक पकाएं जब तक तेल भी नहीं छूट जाता। चलिए चूल्हा मीडियम पर ही है, हल्का नीचे मसाला लगे तो बार बार स्क्रैप कर लीजिए और बार बार चलाते रहिएगा। बीच में खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, यानी कि हरा धनिया, और आधा छोटा का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए और इसे एक बार चला लीजिए। अब जब इस तरीके से आप देखें कि मीडियम आंच पर तेल छूटने लगा है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 3/4 कप पानी डाल रही हूँ। पानी टोटली आपके ऊपर है, आपने कितना डालना है। मैं टोटली 3/4 कप डाली, इसके बाद उबाल आ जाने दी, उसके बाद मैंने 1/4 कप फिर से डाला, तकरीबन 1 कप मैंने पूरा टोटल पानी डाला। इसमें हल्का उबाल आ जाने दीजिए, जब उबाल आ जाता है उसके बाद नमक डालिएगा सबसे एंड में, नहीं तो हमारी जो कलेजी है वो बट्टर हो जाएगी। चलिए इसमें उबाल आ चुका है, एक बार चला लेती हूँ और इसे स्लो आंच करके ढक कर तकरीबन समझिए ना 5 से 6 मिनट तक इसे स्लो आंच पर पकने दीजिए। चलिए तकरीबन 5 मिनट हो चुकी है, मैंने सोचा खोलकर चेक कर लूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट हो चुका है। आपको इतनी ग्रेवी चाहिए तो आप बंद कर सकते हैं इसी समय, क्योंकि बाय दिस टाइम तो 5-6 मिनट में तो ये गल ही जाती है। देखिए छुरी की मदद से मैंने आपको दिखाया तो कितनी अच्छी चली गई छुरी, और मैंने इसे तोड़ा तो भी बहुत सॉफ्ट थी ये, इसका मतलब हो चुकी है। चूल्हा कर दीजिए आप चाहें तो बंद, अगर आपको ग्रेवी बराबर लग रही है तो। मैं 1 मिनट के लिए और एक्स्ट्रा पका रही थी तो और ऊपर आप देख सकते हैं तेल ऊपर आया है। अच्छा अब यहाँ पर मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। आप थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर फिर से डाल दीजिए, और हरी मिर्चियां बारीक काट कर डालना चाहते हैं तो बेशक ऊपर डाल दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कलर कितना वाइब्रेंट हुआ है, ना के ब्लैकिश हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले इसे हल्का सा एक उबाल खिलाकर इसका पानी फेंक दिया था कलेजी का, उससे क्या हुआ कि स्मेल भी नहीं आ रही है और इसका कलर भी बहुत अच्छा एनहांस हुआ। नहीं तो हम डायरेक्टली डाल देते हैं तो कलेजी का कलर जो ग्रेवी का है ना वो थोड़ा सा काला पड़ जाता है, लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं ऐसा नहीं हुआ। अब इसे एक बाउल में निकाल लीजिए गर्मा गर्म। ये देखिए ये गुर्दे थे बढ़िया से मज़ेदार से। अब इसमें चाहे तो बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दें, और थोड़ी सी हरी मिर्ची से मैं गार्निश कर रही हूँ। वैसे तो इसकी सेमी थिक ग्रेवी ही होती है, ऐसी भुना भुना टाइप लगती है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी और चाहिए तो आप पहले बंद कर दीजिएगा जैसे मैंने कहा, या फिर आप उस समय है ना जब बंद करने वाले हो तो ना उस समय आप 1/4 कप गर्म पानी डाल दीजिए, एक बार फास्ट आंच पर उबाल खिला लीजिए और ढक कर स्लो आंच कर कर 3-4 मिनट तक पकने दीजिए। चलिए अब आप मैं इसे गर्मा गर्म पराठे के साथ सर्व कर रही हूँ। पराठे की रेसिपीज मैं आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। So, कैसी लगी आपको रेसिपी, है ना मजेदार? अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए ये वाली वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।